दिस इज मी चारू सिंह वंस अगेन और मैं लेके आई हूँ आज एक नया व्लॉग इस नए व्लॉग में मैं आज ट्रैवल कर रही हूँ बैंगलुरु टू बेंगलुरु येस सो वी आर प्लानिंग अ शॉर्ट ट्रिप व्हिच इज़ इन कर्नाटका आउटसाइड बैंगलुरु सो वी आर नाउ अराइविंग एट द गोल्डन पाम स्पा एंड रिजॉर्ट सो दिस इज आफ्टर द टुम्कुर रोड

एंड uh, दो दिन का हमें लिया है स्टे सो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस हमारा जाता है आज का सो वी आर चेकिंग द चेकिंग डिटेल्स ऑफ अवर होटल्स टूडे सो वी आर जस्ट डूइंग द फॉर्मेलिटीज हेयर एंड आवर आईज ऑन दिस स्पा रिजॉर्ट राइट नाउ वी वॉन्ट टू कैप्चर एवरी थिंगयर एंड ये इनका जो रिसेप्शन एरिया है इतना ह्यूज है इट्स वेरी ह्यूज सो लास्ट ट्रिप माय वाज इन फतेहगढ़ पैलेस उदयपुर सो उससे बड़ा है ये रिसेप्शन काफ़ी ह्यूज है और यहाँ पे जो इन्होंने मोन्यूमेंट्स रखे हुए हैं तो एंटिक पीस आर एक्चुअली वर्थ इट टू लुक एंड काफ़ी अच्छे यहाँ पर इन्होंने एंटिक पीसेस रखे हुए हैं काफ़ी अच्छा लार्ज एरिया है इफ़ यू वॉन्ट टू सिट एंड वेट फॉर एनी ड्यूरिंग चेक इन और चेक आउट टाइम सो इट्स अमेजिंग टॉप पे इतना अच्छा ब्यूटिफुल फ्लोर दिया है वेलकम ड्रिंक ड्रिंक्स में इन्होंने हमें कीवी दिया था सो so, कीवी कीवी फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगा हमको एंड दीज पेंटिंग्स एंड वेदर इज अमेजिंग सो अभी तक एवरी थिंग इज गोइंग परफेक्ट लेट्स ये आगे क्या होता है वी आर जस्ट वेटिंग टू चेक इन टू आवर रूम सो या दिस इज़ द वेलकम टोर आई just shooting this all for you guys so सो आई एम कैप्चरिंग दिस द वेलकम टोर दिस इज़ सिक्योरिटी चेक इन एंड काफ़ी ह्यूज सा रॉयल सा इन्होंने एक एंट्री uh, गेट दिया है और ये सर हमको लेके जा रहे हैं हमारे रूम की तरफ जिसमें हमको काफ़ी टाइम लगने वाला है एंड वी आर गोइंग टू वेट एंड चिल बाय द टाइम विल लुक आउट ऑल द रिजॉर्ट एरिया कि कैसा दिखने वाला है एंड बाय द वे ड्यूरिंग अवर स्टे हमको कहीं भी जाना होता तो वी हैड टू यूज दिस कार्ट बिकॉज दिस कार्ट और दिस व्हील के बिना वी कैन नॉट गो एनी वेयर इतना बड़ा रिजॉर्ट था ये सो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे आई डोंट नो इफ इन टू डेज शुड बी इनफ फॉर दिस रिजॉर्ट सो ऑल आईज ऑन दिस रिजॉर्ट ले सो वी आर ऑलमोस्ट एट द ब्लॉक सी सो हमारा रूम नंबर है वन नाइन फाइव let's see the room right and i'm going to show this this is the huge corridor here uh, outside the all the rooms and uh, this is c block actually we got the room in b block also but uh, wo ground floor pe tha and uh, because of the mosquitoes and the, these snake problems in the rain season uh, kya hai ki barish ke season mein saap vagera bhi nikal aate hai kafi bugs vagera bhi rehte hai so we said no to that ground floor room तो अभी हम लोग C block के first floor पे 195 room में हैं और uh, we got this room हमको ये room अच्छा लगा फर्स्ट uh, थिंग इसका व्यू जो है बालकनी से बहुत अच्छा है इतना हीूज कॉरिडोर है यहाँ पे एंड uh, अपने आप में ही यहाँ से व्यू इतना अच्छा दिखेगा कि समटाइम्स इफ़ वी आर लेजी वी डोंट वॉन्ट टू गो आउट इफ इट्स वे ही देन आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू यू नो हैव आई आउटसाइड एंड वेदर तो इतना ही कमाल का हो रहा है कि बस दिल नहीं लग रहा है अंदर रूम में एंड हम लोग बस लगेज रख के थोड़ा रेस्ट करके बेबी को फीड करा के बस जाने वाले हैं बाहर और अब मैं आपको देने वाली हूँ मेरे रूम का होटल रूम टू सो दिस इज आवर रूम टू एंड वाइल एंट्री आई एल शो यू दिस इज़ द लगेज एरिया यू यूल गेट सम कपल्स एंड ऑल एंड एज यू गो इन साइड स्ट्रेट सो दिस इज़ अ वेरी ह्यूज मिरर ऑन माई राइट साइड विच इज़ अ गुड थिंग फॉर मी एंड यहाँ पे मैं बहुत सारे सेल्फी लेना चाहती हूँ एंड लेफ्ट साइड में है वॉशरूम बट फर्स्ट आई शो यू द रूम सो हेयर इट स्टार्ट्स रूम एंट्री एंड सामने में आप देखेंगे बिल्कुल फ्रंट में जहाँ पे बालकनी है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी एंड दिस इज़ दी कवर्ड एरिया जहाँ पे आपके लिए आयरन वगैरह के लिए भी दिया गया है And uh, you can uh, use iron, you can use this mirror for selfies. I have you bed ka view bhi So, this is nice thing actually. Uh, so, this Golden Spa Resort is uh, actually a old one, it's a heritage property again. And uh, I don't know, we are just falling under the heritage property these days when we are traveling. It's a good thing. And uh is styles old style sab again. Most of the things are made up of wood. So, I think. Uh, हेरीटेज प्रॉपर्टीज़ हमारा पीछा नहीं छोड़ रही और हम हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ का पीछा नहीं छोड़ रहे एंड रूम uh, तो स्पेशियस है इतना बड़ा नहीं है जितना उदयपुर के प्रॉपर्टीज़ में था बट बिकॉज इट्स अ सो इट्स अ बैंगलोर थिंग एंड यहाँ पे टी वी वगैरह है एक और यहाँ पे टी वी यूनिट दिया गया है काफ़ी अच्छा बड़ा स्टोरेज है देन टेबल है टू यू नो हैव योर वर्क प्लेस्ड एंड दिस इज बेड एंड इधर बेड के साइड में सोफा सेटिंग एरिया दिया गया है लाइट दी गई है एक सोफा uh, सेट uh, और दिया गया है जो कि बेड के लेफ्ट साइड में है दिस इज राइट साइड एरिया ऑफ द बेड एंड यहाँ पे कर्टन्स दी गई हैं जो कि काफ़ी अच्छा व्यू देती है अगर आप कर्टन्स हटाओगे तो बालकनी से ये व्यू आता है जहाँ पे हमें बड़ा सा स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है एंड कैफ़ेटेरिया uh, भी uh, दिखाई दे रहा है बहुत सारे रूम्स भी दिखाई दे रहे हैं ऑन द अदर साइड सो आई थिंक प्रॉपर्टी इज़ वेरी गुड इट्स ह्यूज प्रॉपर्टी सो यू कैन चिल आउट आई थिंक टू डेज़ आर शुड बी सफिशेंट बट लेट्स सी कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा जाएगा एंड इट डिपेंड्स ऑन कि आप इनडोर uh, और आउटडोर एक्टिविटीज़ क्या ले रहे हैं सो so, यहाँ पे क्यूट सा ब्रिज है बिटवीन द स्विमिंग पूल और ये स्विमिंग पूल सिर्फ इतना ही नहीं है जितना आपको कैमरे में दिख रहा है आई शो यू इन द अदर वीडियो इट्स एक्चुअली डबल ऑफ दिस साइज एक्चुअली द अदर पार्ट इट नॉट विजिबल बिकॉज देर आर फ्यू थिंग्स कमिंग इन फ्रंट ऑफ लाइक ट्रीज एंड ऑल सो दिस इज अवर बालकनी एंड बालकनी uh, भी काफ़ी स्पेशियस है आई लाइक द बालकनी मोस्ट बिकॉज जब भी वेदर अच्छा है तो आप यहाँ से नो यू कैन सेपा हॉट कप ऑफ टी एंड यू कैन इन्जॉय द वैदर एंड मेरे हस्बैंड और अशरफ को तो रिजॉर्ट काफ़ी पसंद आ रहा है तो ये अभी से इन्जॉय करना शुरू कर दिया एंड आई एम टेकिंग आई एम ट्राइंग टू टेकिंग वन सेल्फी हेअर आई आम एक्चुअली टायर्ड अब इट बिकॉज टू एंड हाफ आवर्स ट्रैवल करके आए हैं हम लोग Uh, that too without traffic i don't know traffic over the kitna time lata and uh... look at this beautiful weather swimming pool trees itna greenery green and kitna sab kuch clean clean or fresh feel the so if you are planning any short trip and you don't have time so just depend on the weekend and uh, just come here book a room and enjoy just feel free even if you don't have any activities to do i suggest you to come here and enjoy just simply sit in the room sit in the balcony and enjoy your tea coffee and weather so i think this is the best uh, thing that you can plan in short and uh, mera baby bus ready hai and hum log jaane wale hain bahar we fed him and uh, अभी वो मोबाइल से खेल रहा है हम उसको लेके चलते हैं थोड़ा बाहर बाहर का व्यू भी एंजॉय करते हैं थोड़ा सा रेडी होते हैं ये टेबल पे हम लोग अपना लगेज और सामान जो भी है रखने वाले हैं एंड uh, यहाँ पे हमें मिला है एक मिनी फ्रिज जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं एंड uh, फ़िलहाल बेबी का बर्थडे है तो वी हैव टू ऑर्डर केक एंड ऑल आल्सो सो वी आर गोइंग टू कीप दैट इन फ्रिज एंड ये भी हमने टेबल पर यहाँ पर पूरा लगेज रखा हुआ है अच्छे से फाइनली हम आ चुके हैं बाहर पूल साइड एरिया एंड यहाँ पे कुछ लोग इन्जॉय कर रहे हैं स्विमिंग एंड uh, बस अभी तो हम लोग स्विमिंग नहीं करने वाले बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट इवनिंग फोर ओ क्लाक एंड इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू गो टू द स्विमिंग पूल पानी यहाँ पे काफ़ी चिल्ड होगा आई डोंट नो हाउ पीपल आर स्विमिंग हेयर बट ये सो मेनी किड्स आर हेयर इंजॉय विद द फैमिली सो आई थिंक फैमिली के लिए बहुत अच्छा रिजॉर्ट है एंड uh, ट्रैवलिंग के लिए तो इतना ह्यूज है कि अगर आप पूरा रिजॉर्ट देखना चाहते हो तो आई थिंक इट विल टेक यू अ डे एंड यहाँ पे इसीलिए वी आर यूजिंग अ स्ट्रॉलर यू नो टू कैरी अर बेबी अलॉन्ग विद दस एंड जस्ट लुक एट द व्यू इतना ग्रीनरी है जो यहाँ पे पाथवे बनाया गया इट्स वेरी अमेजिंग एंड वेदर भी आज साथ दे रहा है तो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी तो ये हमारा फर्स्ट डे है एंड वी हैव अ वन मोर डे टू स्पेंड ह्ययर एंड uh, आज का दिन तो हमारा जाएगा बेबी के लिए सिर्फ सो वी आर गोइंग टू स्पेंड ऑल आवर टाइम विद आवर बेबी बिकॉज इट्स सिक्स मंथ्स बर्थडे तो सेलिब्रेशन तो बनता है so we have to go back to our room we have to plan few things and uh, now i'm going to close this vlog for today and uh, i'll show you how i decorate and celebrate my baby's six months birthday so i hope you like my vlog if you like it please like share and subscribe thank you so much bye